₹80 के प्लेट है, मत छोड़ो एक भी। ओह लग गई चोट। पापा की कसम तुमको है, अगर 40 ही है तो चलो हेलो वेलकम टू बैक का नंबर ब्लॉग। कैसे हो मेरे दोस्तों? कुछ तक लोग जैसे देखा आपने, हम बहुत मुसीबतों में से गुजरे, साथ में साकुर भाई भी। आज हमारी टीम के सभी सदस्य खफा खफा हैं एक दूसरे से सब शांत शांत है। वहाँ सर हम आरो वैली है, यहाँ से 8 किलोमीटर और सर दिखाएंगे आपको, वो भी पेल गाँव का एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे भी हम कैंपिंग कर सकते हैं बट करेंगे नहीं। तो चलिए करिए हमारे साथ इस लोग का एंजॉय। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम आरो वैली और ये यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको भाई। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में गांव बसा हुआ है, एक अलग ही वाइब है यहाँ की। ये देखिए ये आरो वैली, इधर घोड़े वगैरह को शूट करना हो किसी को तो ये पार्किंग बना रखी है। और हमको यहाँ से इधर से उधर जाना है क्योंकि पीछे का वाइब, हमने वीडियो वगैरह शूट करनी है तो पीछे का वो लेना है हमें। चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हेलो, ये यहाँ का मार्केट है। यहाँ के मार्केट में भाई सब चीज़ें गर्म चीज़ें मिलती है, सर्दियों की चीज़ें मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे गर्मियों के लायक कुछ मिलता ही नहीं है, वो हमें चाहिए गर्मियों को लायक। और ये चलते हैं यहाँ पे, पहले कुछ खाएंगे हम, खाने के बाद फिर निकलेंगे। और ये हमारे पास चाय पकौड़े आ चुके हैं, 35 रुपए की प्लेट। बताओ भाई क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? 20 रुपए का एक कप चाय, क्या कहना चाहते हो? 80 रुपीज 80 रुपए का, 80 रुपए का लूट रहे। देखो भाई आपका कश्मीरी लोग लूट रहे हैं यार। बताओ भाई लूट रहे हैं। बहुत महंगा है, 80 रुपए की प्लेट है, मत छोड़ो एक भी। तो भाई क्यों छोड़े? भाई ना तो 80 पैसे का सवाद दे देता हूँ और ना 20 पैसे का सवाद दे देता हूँ, 1 रुपए का सवाद रहेंगे। ओ भाई 160 रुपए का हमने ब्रेकफास्ट किया, 160 रुपए लायक था नहीं, कुछ पैसे दुखते थे, मजा नहीं आ रहा भाई। बहुत ही गंदा फील हो रहा है, काट रहे हैं कश्मीरी लोग, पता नहीं क्यों। आप भी तो कश्मीरी यार, ये रात आप खो रहे हैं मेरे साथ। क्या है कि इनको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मतलब इतना ऊपर लाना पड़ता है सामान। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट फ्यूल वगैरह सब चल जाता है, यहाँ पे आपको 10 रुपए देना होता है, इधर आपको 20 देना है। हाँ ये तो नहीं, ये चीज समझता हूँ, तभी तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तो ये रही आरो वैली, ये आरो वैली चारों तरफ पहाड़ है, छोटा सा ये बना हुआ है, यही आरो वैली है। और तुम भी आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर रहते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पे लोग बाग छोटे छोटे मेमने रखते हैं और घोड़े रखते हैं। और देख एक बकरी ये रही, कितनी सुंदर है यार, इनको रख के फोटो खिंचवाते हैं पेड़, तो ऐसे इनका खर्चा चलता है। भाई आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, अगर आप आरो वैली आ रहे हो और बेताब वैली आ रहे हो, जहाँ भी ट्रैकिंग का सिस्टम है आपको लग रहा है वहाँ नेटवर्क नहीं आ सकते, वहाँ आप कैश में पैसे लेके जाओ क्योंकि नेटवर्क आते नहीं है। फिर जो हम जैसे हम अब हमें घोड़ा सवार लेनी थी, अब हमारे पास कैश में पैसे है नहीं, सब अकाउंट में पैसे हैं, तो हमारा वो नहीं हो पाएगा। अगर आप कैश में पैसे ला रहे हो तो आप यहाँ पे सब कुछ इन्जॉय कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं, आप भूखे भी मर सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो, कोई किसी की हेल्प नहीं करता इधर, ठीक है। ये देखिए ये क्या, इनका क्या चल रहा है, इसका क्या अलग चल रहा है। ओह लग गई चोट, ये भाई रोनाल्डो बन रहा था, रोनाल्डो ये पोते रहा था, ये गिर गया ये। तो
12 बजे लेकिन जो पार्क है वो तो यहीं एंड हो जाता है यहीं पर। इसके बाद फिर चलता है ट्रैकिंग, अगर आप घोड़ा लेते हो तो उधर से यहाँ ट्रैकिंग, उधर से वो लाइन दिख रही वहाँ पे ऊपर पर ही पता नहीं कहाँ कहाँ से था, वो तो लेने से कोई मतलब रहा नहीं। अगर फोटो क्लिक कराओगे तो क्या करते हाँ करो, क्या चार्ज लोगे? कितना पता है? एक ही है बस, तो हमारे पास 50 रुपीज है ओनली, सॉरी 40 रुपीज है, 40 रुपीज है हमारे पास, ईमानदारी से 40 है, सीरियसली 40 है। अगर पापा के कसम तुमको है, अगर 40 ही है चलो ठीक है, तो पापा के अरे सर ये देख के दिखाई देता हूँ ना, 40 रुपये है, चला दे भाई, चलो भाई इसकी फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं इधर से। तो अब ये इसका फोटो क्लिक करता हूँ भाई मैं, ये घोड़ा भगाओ बैठा है और मुझे लग रहा है ये भगन आ जाएगा घोड़ा। अंकल जी ने पैसे लिए इन भाई को दे दिए, तो यहाँ से चलते हैं भाई, मौसम भी खराब हो रहा है यहाँ पे भयंकर वाला। यहाँ पे इतना ही था और बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे भयंकर वाली, चारों तरफ पानी पानी, वादियाँ पहाड़े पहाड़, और कुछ नहीं है। भाई को बना दिया यहाँ पे फोटोग्राफर वाइड लेंस को लेके, नहीं क्या बात है साकिर भाई पैसों में भाई, इस कैमरे की तो कैमरे क्या, इस लेंस की तो बात ही अलग है, इतने खतरनाक पिक आते हैं इसके, इतने खतरनाक आते हैं ना बहुत लाजवाब। अब हम जानमर्ग जाने के लिए तैयार हैं, ये पता नहीं मैंने बोला जानमर्ग, ये उल्टा सीधा बुलवा रहा है मुझसे इनके लिए, जानमर्ग एक जगह है भाई आपको पता नहीं? चलो ठीक है, अगर वहाँ जानवर नहीं लिखा होगा ना तेरी छोड़े पे लात मारू मैं, पहले तुम दोनों जाओगे जानमर्ग बराबर। ये हमारे साथ भेड़ा है, भेड़ा भेड़िया है, ये भेड़ नहीं भेड़िया है, भेड़िया इंसान की शक्ल में भेड़िया है, इंसान की शक्ल में भेड़िया भाई देखो ही। तो दोस्तों चलिए इस एपिसोड को यहीं करते हैं एंड, अब जाएंगे हम बेता वैली, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे बेता मूवी बनी है, हाँ सबसे वही बनी थी बेता वैली, बेता मूवी उधर ही बनी है, चलो हम जाएंगे हम बेताब मूवी जहाँ पे शूट हुई थी, बेताब का नाम रखा गया बेताब, और उसी को ऊपर चलो तो अगले एपिसोड में बताएंगे, तो इसी को करते हैं यहीं पे एंड, पहले अब जाएंगे पहले बेलगांव वगैरह खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, मेरे को पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, आपको बड़े कमी नहीं हो तुम लोग, चलिए दोस्तों अपने।